So guys, if you are in search of a best music player for Android in 2018, then I have a solution for you. So guys, my name is Gautam and in this video, I will show the best music player for Android. So without wasting more time, let's get started. सो गाइस आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पर उसका प्ले स्टोर ओपन कर लेना है. उसके बाद आपको सर्च बार पर टाइप करना है डब म्यूजिक प्लेयर. उसके बाद आपको सिंपली अपना ओपन करना है फर्स्ट ऐप जिसका डब म्यूजिक प्लेयर का आपको साइन देखने को मिल रहा है. और इसके 4.6 की रेटिंग है, काफ़ी अच्छी रेटिंग है. 10 मिलियन डाउनलोड्स काफ़ी अच्छी बात है और रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं 4.6 की रेटिंग के हिसाब से. और फीचर्स काफ़ी अच्छे से ऐप को जब भी मैंने पिक करा है तो मैंने डाउनलोड इंस्टॉल पहले से कर लिया है. आप भी कर लेना इसको डाउनलोड इंस्टॉल. आप देख सकते हो रिव्यूज़ वगैरह काफ़ी अच्छे दे रखे हैं और काफ़ी अच्छी पॉजिटिव रेटिंग दे रखी है. तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको सिंपली फटाफट डाउनलोड इंस्टॉल करना है एंड ओपन कर लेना है. तो गाइस फटाफट मैं इस ऐप को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ. आपको सिंबल देख लिया होगा. तो गाइस इधर आपको सबसे पहले डब लिखने को मिल जाएगा ब्लैक लोगो में एंड आपको इधर 3 डॉट्स मिल जाएंगे. तो आप इस पर टैप करोगे तो आपको इससे अपनी म्यूजिक लाइब्रेरी मिल जाएगी. तो मतलब जितने भी सॉन्ग्स होंगे आपके फोन में बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे. इधर मेरे पास सेकेंडरी डिवाइस में कोई ज़्यादा खास सॉन्ग्स नहीं है बट मैंने आपको एक सैंपल रखा हुआ है. तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो इधर मैं अगर बैक जाता हूँ तो आप देख सकते हो इधर आपको वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाएगा जिससे आप वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल कर सकते हो. जैसे कि आप देख सकते हो इससे वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो. काफ़ी अच्छी थीम मिल जाएगी और जैसे कि आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा है. अब हम जाते हैं ईक्यू पे. तो आप इसे अपना इक्वलाइज कर सकते हो. मतलब ज़्यादा बेस चाहिए या फिर ज़्यादा ट्रेबल चाहिए तो आप इससे आप बेस और इक्वलाइज कर सकते हो. मतलब ट्रेबल वगैरह आपके हिसाब से और अपना कौन सा बेस बूस्ट करना है आपको वर्चुअलाइज करना है जो आप कर सकते हो इससे इक्वलाइजेशन से. अगर प्ले आपको करके दिखाऊँ फोन सॉन्ग को तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा मिनिमलिस्टिक लुक दे रहा है जो म्यूजिक प्लेयर का ऐप है. अब 3 डॉट्स पर आप देख सकते हो सेटिंग्स हम जाते हैं अपने ऑडियो इफेक्ट्स पे. तो आप देख सकते हो पिच का मिल जाएगा, लाउडनेस का मिल जाएगा, बैलेंस का मिल जाएगा. तो हम देते हैं फटाफट पिच पे. जैसे आप देख सकते हो हम फटाफट गए पिच पे. आप जैसे कि आप डीजे में देख सकते हो कि डीजे में जो पिच मिलती है वैसे इसमें पिच देखने को मिल जाती है. ये काफ़ी अच्छी खासियत लगी इस ऐप की मुझे. आप इसे अपनी पिच कंट्रोल कर सकते हो जिससे म्यूजिक का साउंड एक तरह की अच्छी आती है जो कि आप क्लब वगैरह में सुनते होंगे वैसे कुछ ऐसे साउंड देते हैं. तो काफ़ी अच्छी बात लगी, इसका पिच काफ़ी अच्छा है. और आप जैसे काफ़ी सारे ऑप्शन आप इस हिसाब से अपने कंट्रोल कर सकते हो. एंड फटाफट जाते हैं हम अपने सेटिंग्स ऐप पर. जैसे आप देख सकते हो हम सेटिंग्स खोले थे. उसके बाद आप देख सकते हो थीम्स ऑप्शन मिल जाएगा. आप जो मेन डिफॉल्ट थीम होती है वो है इसकी क्लासिक. बट मैंने जो यूज़ कर रखा है स्टूडियो काफ़ी अच्छा है. मैं रिकमेंड करूँगा आप भी स्टूडियोज करो, नहीं तो एक जो मेन जो डिफॉल्ट थीम आती है वो है क्लासिक. तो आप देख सकते हो कौन सी काफ़ी अच्छी अच्छी थीम है. तो मेरी यही थीम है क्लासिक वाली एंड हम करते हैं फटाफट बैक. एंड उसके बाद आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शन है. क्रॉस फेड का भी ऑप्शन मिल जाएगा जिससे आप क्रॉस फेड मतलब मिक्सिंग कर सकते हो, दो सॉन्ग्स को एक साथ चला सकते हो. तो आप क्रॉस फेड भी कर सकते हो इस ऐप में. तो आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी अच्छा एडवांस ऑप्शन मिल जाएंगे इस ऐप में. उसके बाद आप देख सकते हो इधर काफ़ी और भी ऑप्शन मिल रहे हैं. तो मतलब ये ऑल इन वन एडवांस म्यूजिक प्लेयर है. जैसे कि आपको दिखाऊं एक सॉन्ग प्ले करके इधर. तो आप देख सकते हो इधर काफ़ी सारे विजुलाइजेशन मिल जाएंगे. जैसे कि आप देख सकते हो अब मैं अगली विजुलाइजेशन प्ले करता हूँ या फिर आप देख सकते हो इस ऐप के अंदर म्यूजिक की थीम प्ले करता हूँ. आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी कूल मिनिमलिस्टिक और 3D थीम्स देखने को मिल जाएगी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर. तो मेरी फेवरेट तो बस मेरी जो आपको मैं दिखा रहा था ये फर्स्ट वाली है तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ. हम देते हैं 3 डॉट्स पे. तो आप देख सकते हो तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे सॉन्ग्स का, एल्बम्स का, आर्टिस्ट का, जेनरीज का एंड प्लेलिस्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा. तो आप देख सकते हो पॉडकास्ट वगैरह सबका ऑप्शन आपको मिल जाएगा. तो ये ऑल इन वन ऐप. तो बस ये वीडियो को करते हैं एंड अगर आपको वीडियो देना तो लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट जरूर करना ताकि मुझे आगे की वीडियोज़ के लिए मोटिवेशन मिल सके. एंड चलो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. बस इस वीडियो को करते हैं एंड टिल देन बाय, टेक केयर एंड पीस.